सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रफीक लोहार है। किस तरह के आप मंदिर बना रहे हो, क्या खासियत है इसमें, कितने बच्चे हैं और क्या किस चीज़ से बनाए जा रहे हैं? ये लोहे लोहे का बना, अपना सीआर के अंदर सीआर चादर बापरी है, इसमें पाइप भी है। पाइप का पहले अपने वो बनाया जाल, उसके बाद में फिर ये उस पर चादर चढ़ाई गई है। कितने फीट ऊँचाई है? ठीक है, आपने 11 फुट। कितने टन का है ये? 1100 किलो के आसपास हो जाएगा ये कम्प्लीट होने के बाद। किस तरह से बनाया जा रहा है ये, किसने बोला, किस काम आएगा ये? ये महाकाल मंदिर में पहले जाएगा, वहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद फिर ये पूजा होने के बाद वापस आ जाएगा, फिर ये किराए पे पप्पू भैया चलाते हैं। तो महाकाल मंदिर के लिए बनाया जा रहा है? महाकाल मंदिर के लिए, सावन माँ अपने ना सवारी निकलती है वहाँ के लिए। इसमें कितने कारीगर आप रोज मेहनत कर रहे हो? हम इसमें 5 जने हैं। कब से काम चल रहा है इसका? इसका करीब 9 माह से काम चल रहा है। और कितने दिन में ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा? ये सावन में कम्प्लीट हो जाएगा। और कुछ इसके अलावा भी और कुछ महाकाल? अभी इसके जेवरात वगैरह सब बनेंगे, अभी जेवर वगैरह जो है वो बनाना बाकी है, अभी वो बनेंगे। इसके अलावा पहले कुछ ऐसे महाकाल? हाँ, पहले महाकाल मंदिर के और भी आइटम बनाए हमने, और भी नंदी बनाए हैं, शिवलिंग बनाया, अर्धनारेश्वर भी बनाए। मूर्ति जैसे एक, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रफीक लोहार है। क्या बोला है? ये रोकते हो, मैं उस पर ही काम करती हूँ, नंदी पे। अरे तुम्हारा ये पप्पू भाई, आप एक नंदी बना रहे, किस तरह का नंदी है, किस प्रकार का नंदी है और क्या इसमें अलग है, कितना बड़ा है ये? अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नंदी है। कितने फीट है ये? 11 बाय 25 का नंदी है ये। बाबा महाकाल महाराज के लिए बन रहा है, साई सवारी के लिए, उज्जैन में निकलने वाली सवारियों के लिए। ये सियार लोहा है, पूरी जाल 11 कुंटल लोहे से निर्मित है ये पूरा। तो क्या मान थी महाकाल की सवारी में आप? ये मेरी माँ की याद में बनाए हुए, माता राम की याद में ये नंदी भी, और अभी ओंकार महाराज पे भी कुछ एक रथ बना रहे हम, वो भी तैयारी में है। 12 ज्योतिर्लिंग का है वो, ओंकारेश्वर जाएगा, ये महाकाल महाराज पे जाएंगे उज्जैन। कितने फीट ऊंचा ये मंदिर है और कितने बजनी है, कितने किलो बजनी? ये 11 कुंटल है लोहा है इसमें, और जमीन से 11 फीट ऊंचाई है इनकी सींग लेकर के, और यूं लंबाई में 25 फीट जाएंगे ये। इसके पहले भी कुछ आया महाकाल मंदिर? हाँ, बनाया ना महाकाल मंदिर के लिए रथ वगैरह सब बनाया। कितने कारीगर इसको बनाने के लिए रोज काम कर रहे हैं? 5 कारीगर है। कोई मुस्लिम भाई बंधु भी अपने? हाँ, मेन हमारे रफीक भाई ने, इनसे मतलब एकदम हमारे गैरिज पे हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं, पूरे एक समान होके काम करते हैं, एक परिवार की तरह पूरा। पूरा रफीक भाई की तरफ से पूरा बनाया जा रहा है? जी। इसका डिजाइन पूरा? जी बिल्कुल, मेन जो मुख्य कारीगर हैं वो हमारे रफीक भाई हैं। आपका नाम बता दीजिए। पप्पू गौली।